दीदी क्या कर रहे हो? हाय हेलो, धूप से करो क्या अभी से? गुड मॉर्निंग। आज धूप अच्छी लग रही है। धूप अच्छी लग रही है। वैसे सर्दियों में हम लोगों का यही पोज होने वाला है, सब ऐसे बालकनी में। बालकनी में मतलब ड्रैगन फ्लाई। किसको बोला रे ड्रैगन फ्लाई? आपको बोला। क्यों? अरे यहाँ से ड्रैगन फ्लाई उड़ के गई, उसको बोला? किसको बोला या किसको बोला? कहाँ है ड्रैगन फ्लाई? वो जा रही, देखो ये देखो। वेरी गुड बेटा, खुद को बोला है। अच्छा तुम भी बैठ जाओ, मजा आ रहा है। ना मैं इधर बैठा हूँ छाया में, धूप मेरे को तीखी लग रही है आज। अब थोड़ी तीखी होने वाली है। मेरी बेइज्जती हो गई। आज क्या पता है? क्या आज से हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हुआ है। पता है वो तो। और अभी 2 बजे आपका पेपर है। हाँ ध्यान है, वो भी ध्यान है। तो चलो प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, फिर एग्जाम देना। ये शीशे में क्या देख रहे हैं? शीशे में आईना। अरे शक्ल देख रही हूँ यार। यहाँ बैठ के शीशे में क्यों देख रहे हो? अंदर देखो ना। नहीं तो मजा आता है। अभी तो सर्दियाँ शुरू हुई है और अभी से धूप सेकने के प्लान बन रहे हैं। सर्दियों में पता है दोपहर में 2-3 बजे तक सबकी महफिल यहीं जमती है। स्कूल से नहीं आते थे। आ जाओ अंदर, एक रिवीजन कर लो, एग्जाम है आज। आ जाओ। इश क्या कर रही हो यहाँ? एग्जाम हो गया? हाँ। कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। आप क्या कर रहे हो? मैं तो बहुत देर से इसी को इस चीकी के साथ खेलता हूँ। मैं भी अपना कुछ काम कर रही थी। ये किसके साथ खेल रही हो? मेरा टेडी। अब ये टेडी भी मिल गया, कहाँ से लाई? जहाँ से फ्रीज भी आई। मतलब सारे टॉय बाहर निकाल लो अब आप। मम्मा को बोला ले दो ना मम्मा। बड़ा क्यूट टेडी है यार आपका। हाँ हूँ, बोलो। कैसे हो टेडी? बढ़िया है भाई। हाँ बोल रहा है। घूर रहा है देखो। मुझे क्यों घूर रहा है? मैंने क्या किया? हाँ तो परेशान हो गया फालतू का, बढ़िया खेल रहा था। खेलो खेलो, एंजॉय करो। बचपन की मस्ती तो यही है, तुम लोगों के टॉय और मिल जाए तो बस। क्या पता है, तुम छोटी थी ना, टेडी को पास में लेके सोती थी। और ये अभी तक बिल्कुल सही सलामत है, इसकी बड़ी खुशी है मुझे। मतलब कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो किसके साथ हुआ ये बताना? कि बहुत सारे टॉयज हैं, नहीं हुआ। बहुत सारे टॉयज ऐसे हैं जिनको तुमने खेलने लायक नहीं छोड़ा। अब रख भी दो इसको, ही हिलाते रहोगे खेलते रहोगे, अपन को कुछ दूसरा काम भी करना। कितने टेडी इकट्ठे कर रखे? वो बड़ा वाला होगा बहुत प्यारा सा, मुझे दिखाओ ना। बना ये रहा देखो, कहाँ है? ओह इतना बड़ा टेडी, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कितना प्यारा है। वाओ क्यूट सा टेडी है। छोटू छोटा टेडी बड़ा टेडी। ओह माय गॉड कितना छोटा लग रहा है। इसके ऊपर ही बिठा देता हूँ। वायर उठाओ। हाँ तो छोटू कहाँ गए? छोटू आहा, बड़ा बड़ा है ना? बड़ा बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। आए है, अब आप भी खेलने लग गए इसके साथ। टेडी टॉय ऐसा है कि सबको अच्छा लगता है। टेडी टेडी तो मुझे भी अच्छा लगा, क्यूट है ना, इसलिए मैं भी इसके साथ खेलने लग गई। है ना टेडी? मजा नहीं आ रहा ना? इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा मेरे साथ खेल के मजा नहीं आ रहा है? इसके साथ नहीं आला, नहीं आला, देखो मना कर रहा है। हाँ क्यों कर रहा है रे? हाँ कर रहा है, मना नहीं कर रहा है। हाँ कर रहा है। बड़ा प्यारा है यार।
और सलामत भी। हाँ सबसे बड़ी बात सही सलामत है, अदरवाइज ऐश के जो भी टॉय है ना, इसने हमेशा इतने एनालिटिकल मोड में रहती है, ये टॉय बना कैसे, और उस टॉय को पूरा खोल देती है ये देखने के लिए कि ये बना कैसे। तू बच गया रे, वही वाली बात हो गई ना। कौन सी वाली? वही वाली। कौन सी वाली? जो पॉप अप ऑफ द डे में आज मैं बताने वाले हो। मैं को नहीं पता, मैं को पता करो ना यार। टेडी आप बताओ, तो आज का पॉप अप ऑफ द डे कौन बताएगा? टेडी बताएगा। टेडी टेडी टेडी। तो दोस्तों पॉप अप ऑफ द डे बताए? नहीं टेडी बताए। तो चलिए चलते हैं पॉप अप ऑफ द डे की तरफ। हैं देखो गंदी बातें ना इसी बच्चे को पसंद नहीं करते ना। ना बोलता है ए। चलो टेडी तो हमारे फ्रेंड्स को बताओ पॉप ऑफ द डे क्या है। दोस्तों आज का पॉप ऑफ द डे है लालच, ग्रीड, क्योंकि लालच बुरी बला है। और वो वाली कहानी तो आपने सुनी होगी कि सोने के सारे अंडे साथ निकाल लूं। उस लालच में उस नाई ने अपनी मुर्गी को मार दिया था। दोस्तों जब लालच आ जाता है ना तो वो हमसे बहुत सारी बुराइयां करवा लेता है, बहुत सारे पाप करवा लेता है। हम कई बार ऐसे रास्ते अपना लेते हैं जो सही नहीं होते सिर्फ लालच की वजह से। तो लालच को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, सही रास्ता चुनें, सही काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप सही काम करते हैं तो ही आपको जीवन में सुकून मिलता है। हाँ हो सकता है कि लालच करने से, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने से, कुछ गलत तरीके अपनाने से सफलता कुछ मायनों में मिल जाए, धन बहुत सारा मिल जाए, ऐशो आराम के साधन मिल जाए, लेकिन मन को सुकून नहीं मिलेगा। सही बात है। तो कहना क्या कहते हो, लालच नहीं करना चाहिए ना? नो, नो। उस नाई की तरह मुर्गी के सारे अंडे साथ निकालू, हो जाऊंगा माला माल, मिटे रोज का ये जंजाल। तो फिर नाई ने क्या किया, नाई फौरन चाकू लाया, मुर्गी मारी, खून बहाया, अंडा एक ना उसने पाया, रो रो कर वो बहुत पछताया। तो दोस्तों लालच ना करें, खुश रहें, खुश रखें, और जो साधन आपके पास है उन्हीं के साथ मेहनत करें, जैसे कि हम कर रहे हैं, जैसे कि हम मेहनत कर रहे हैं अपने सिंपल सोबर साधन के साथ, और आप हमें अपना प्यार दे रहे हैं, देते जाएं। ठीक है, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो थैंक यू, उनके लिए भी थैंक यू। हम आगे और बहुत कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, बस हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द लाइक बटन एंड शेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बने रहिए हैशटैग लाइफ ब्लॉग के साथ। मिलते हैं फिर, बाय। थैंक यू, बाय। बोल रहा है बाय बाय गाइस।